हेलो एवरीवन, मैं गुरपाल सिंह फ्रॉम सुपीरियर माइंड एकेडमी। आज जो हमारा टॉपिक है वो रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पे है। तो जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप पानी के बीच में पेंसिल को डिप करते हो तो नीचे वाला जो हिस्सा होता है पेंसिल का पानी में, वो हल्का सा बेंड होता है, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है, वो कंसेप्ट है ये। तो टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, मतलब एक रेयर मीडियम होगा और दूसरा डेंस मीडियम होगा। रेयर मीडियम और डेंस मीडियम। अब देखो, जो हवा है यहाँ पे, ये मैंने ग्लास स्लैब बनाया हुआ है जो कि ए बी सी डी, ये ग्लास स्लैब है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये लाइट आ रही है यहाँ से, आई फिर यहाँ से पास हुई और ये चलेगी, ठीक है। ये डार्क जो बनी हुई है, तो ये हमने रे ऑफ लाइट रखी है। तो पहले आपको रेयर और डेंसर मीडियम बता रहा हूँ क्या होता है। रेयर मीडियम होता है जहाँ पे फर्स्टली लाइट आती है, और डेंस मीडियम होता है जहाँ पे वो लाइट जाती है, ठीक है। रेयर मीडियम क्या होगा हमारा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रेयर, आर ए आर ई आर, ठीक है, रेयर मीडियम। दूसरा है डेंसर, ठीक है, रेयर मीडियम और डेंसर। ये स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड होगा, मतलब लाइट जहाँ से आएगी वो और जहाँ पे पहुँचनी चाहेगी वो, ठीक है। अब यहाँ पे जो एयर है वो रेयर है, फिर यहाँ पर आएगी लाइट वो डेंस है, फिर यहाँ से आगे जा रही है, फिर ये रेयर बन जाएगा और ये डेंस बन जाएगा। अब होता क्या है इसमें कि लाइट आ रही है, ये आई जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, हमने पीछे चैप्टर 10th में देख लिया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिव क्या होता है, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, लाइट आ रही है और ये जो हमारी डॉटेड लाइन है सीधी, ये होती है नॉर्मल रे, ठीक है, या नॉर्मल लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये लाइट आई, हल्की सी बेंड हो गई। देखो, अगर ये मैं लाइन सीधी देखता तो ये सीधी सीधी यहाँ पे जो डॉट स्ट्रक्चर जा रहा है ये सीधा ये वाली जाती, पर ये हल्की सी बेंड हो गई है। तो ये बेंड किस तरफ हुई, टूवर्ड दी नॉर्मल। तो यहां पे हम मैं लिख रहा हूं एक कंसेप्ट कि रेयर मीडियम से जब लाइट डेंसर में जाती है तो रे क्या होती है, बेंड हो जाती है। लाइट रे बेंट टूवर्ड दी नॉर्मल, ठीक है, तो बेंड हो जाएगी टूवर्ड दी नॉर्मल। फिर दूसरा कंसेप्ट आता है, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो उसमें क्या होगा, जो रे ऑफ लाइट है वो बेंट होगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो लिख रहा हूं यहां पे, डेंसर टू रेयर लाइट रे बेंट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, तो वो नॉर्मल से दूर चले जाएगी। अब देखो ये होता है या नहीं होता, वो दिखा रहा हूं इस स्ट्रक्चर से। ये लाइट आई तो होना इसको यहां पे था, पर ये बेंड हो गई, तो ये बेंड किस तरफ हुई, इस तरफ को, तो ये नॉर्मल रही थी तो इस तरफ बेंड हो गई। तो ये हमने लिखा द रे रेयर टू डेंसर, यहां से यहां पे आ रही है, ये रेयर था ये डेंसर था, यहां से आ रही है और यहां पे खत्म होगी, ठीक है। तो रेयर टू डेंसर क्या हुई थी, लाइट बेंड टूवर्ड दी नॉर्मल, तो ये नॉर्मल था तो इस तरफ ये बेंड हो गई, ठीक है। फिर दूसरा कंसेप्ट क्या है, जब डेंसर से रेयर, अब ये डेंसर था तो ये रेयर था, अब यहां से यहां पे जाएगी उस पे क्या होगा, लाइट जो रे है बेंट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। देखो अगर यहां से ये सीधी मैं उठाता तो ये वाली लाइट होती, ठीक है, पर ये वाली चली गई, तो यहां पे क्या होगा, थोड़ी अवे हो गई, तो ये इस तरफ का ये थोड़ी दूर हो गया, अवे हो गया, और ये वाला टूवर्ड हो गया, ठीक है। तो ये इसका टॉपिक का मेन पॉइंट है, आपकी बुक में बहुत बड़ा दिया हुआ है, उन्होंने एक्चुअल में क्या किया हुआ है सब एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे रेयर मीडियम है वो आपका एयर है, डेंसर मीडियम है, चलो वो भी लिखता हूँ यहाँ पे,
जो रेयर मीडियम है हमारे पास वो इन्होंने एयर मान के चला, हमारा भी यहाँ पे एयर ही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, जो डेंसर है ठीक है वो हमारा क्या है, ग्लास है, ठीक है। तो रेयर मीडियम हमारा एयर था, तो डेंसर मीडियम क्या है, ग्लास। तो यहां से यहां पे हुई तो लाइट इस तरफ बेंड हो गई, फिर डेंसर टू रेयर हुई तो लाइट दूर चलेगी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बोला कि जब एयर से ग्लास की तरफ लाइट जा रही है, जो कि ए बी बीच में मिरर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ए और बी आपका स्लैब का पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, तो रेयर मीडियम जो कि हवा से शीशे के बीच में लाइट पास होगी तो रे ऑफ लाइट क्या होगी, बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। उसके बाद उन्होंने बोला सी और डी जो लाइट है वहां से जो शीशा है वो खत्म हो रहा है या स्लैब है आपका खत्म हो रहा है, तो फिर क्या होगा, डेंसर से रेयर में लाइट आएगी तो उसमें चक्कर के क्या होगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगा। तो ये इसका कंसेप्ट है। अब इसी के साथ आपके पास इन्होंने दो लॉ बोल दिए हैं। लॉ आपका क्या था, वो कह रहा है कि इसी का दो जो लॉ है वो है, अगर सॉरी हाँ ये बोल रहा था, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिव रे एंड नॉर्मल रे, ये तीनों रिफ्लेक्टिव इंसिडेंट एंड नॉर्मल जो कि आपकी रेयर और डेंसर में पूरा होगा, ठीक है, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, ठीक है, सेम प्लेन में होगा। ऐसा नहीं है कि ये सीधा आया और ये ऐसे करके ऊपर को आ जाए या इसको डाउन हो जाए, नहीं, जैसे आ रहा था सीधी और उसी तरफ जाएगा, ये होता है सेम प्लेन। तो तीनों के तीनों जो कि लाई करेंगे सेम प्लेन पे। उसके बाद इन्होंने बोल दिया रेशियो ऑफ एंगल इंसिडेंट जो होगा एंड अ साइन ऑफ द एंगल रिफ्लेक्टिव, मतलब इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टिव का रेशियो जो होगा कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है, मतलब साइन I अपॉन साइन R, I क्या था इंसिडेंट, R क्या था रिफ्लेक्टिव, ठीक है। तो ये क्या होगा, इन दोनों के बीच में इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन विल बी कॉन्स्टेंट। एक तो ये पॉइंट इन्होंने लो में बोल दिया था, ये लो है एक तो ये। दूसरा लो क्या था इसका, पहला लो और सेकेंड लो, सेकेंड लो क्या बोल रहा था कि इंसिडेंट रिफ्लेक्टिव एंड नॉर्मल ये लाए करेंगे सेम प्लेन पे, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक का कंक्लूजन है। ऑलरेडी आपके बुक में दो तीन पेज हैं, तो दो तीन पेज का सिर्फ इतना सा ही डाटा है, ठीक है, क्या है आपने अब देख लिया। अब इसके बाद थोड़ा सा कंसेप्ट और है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड कैसे करते हैं, वो है इसी का पार्ट है, उसको अलग टॉपिक याद दिया हुआ है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसे आपको फाइंड करना है, आपको करना है जो आपका एंगल होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन को मानते हैं, ठीक है, उसको आप बोलोगे स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम वन। यहां पे आप लिखोगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। फर्स्ट और सेकंड मीडियम में थोड़ा सा अलग अलग होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ है हमारा, ठीक है। तो ये है स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। तो अब ये क्या है आपका फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम हमारे पास क्या था, ये हवा, ये और ये सेकेंड मीडियम है। फर्स्ट मीडियम से लाइट जो आई और सेकेंड मीडियम में जो लाइट गई उसकी जो लाइट की स्पीड है वो फाइंड करोगे, ठीक है। जैसे हमें दिया हुआ है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर है, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.0 कुछ होता है, तो हम 1 मान के चलेंगे। दूसरा मैंने बोल दिया था कि वो ग्लास है, ग्लास की रेशो क्या थी 1.52, ठीक है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, आपकी बुक में ऑलरेडी प्रोवाइड है। जैसे आपको दिखा रहा हूँ ये देखो, ये पूरा एक टेबल बनाया हुआ है, मैंने कुछ पॉइंट टिक लगाए हुए हैं, मतलब ये ज्यादा पूछे जाते हैं, रेस्ट आप अपना पूरा याद करना चाहोगे तो दैट्स गुड, इफ नहीं अगर नहीं होता पूरा याद तो थोड़े थोड़े जो मैंने टिक लगाए हैं वो मेन मेन याद कर लो, ठीक है। तो क्या होगा, ये आपको टेबल दिया हुआ है, तो मैंने एक वैल्यू ये उठाई है, देखो एयर वाली दूसरी ग्लास वाली उठा ली, ठीक है, तो एक रेयर मीडियम और ग्लास मीडियम ये लिख दिया आपको, फिर इनकी कैलकुलेशन करके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहां से आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है, तो यहां पे कभी कभी जो लाइट है वो स्पीड पे कैसे डिपेंड करती है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है आपका एयर और उसका, ठीक है, सॉरी ये फॉर्मूला मैंने सॉरी लाइट लिख दिया, स्पीड लिखनी थी, स्पीड जैसे होगी आपकी वैक्यूम में कितनी है 3 × 10⁸
मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, ये कैपिटल सी हो गया, स्पीड ऑफ लाइट ये होती है। रेस्ट आपको दूसरी स्पीड उन्हें बताया होगा कि कौन से मीडियम में कितनी लाइट है, दोनों को डिवाइड कर दो आपके पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। अब इन्होंने जो आपको टेबल मैंने दिखाया वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसी किसी मटीरियल का ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया होता है, तो ये बोल देंगे कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इतना है, स्पीड ऑफ लाइट आपको पता लग जाएगी और आपको स्पीड मीडियम की फाइंड करनी है। लाइक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ n इक्वल टू सी अपॉन वी, ठीक है, तो ये मैंने बोल दिया कि 1.5 था, ये बोल दिया 3×10^8 है तो ये v है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये डिवाइड में हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये v इक्वल टू 3×10^8/1.5 यहाँ से कैलकुलेट करके आपके पास स्पीड ऑफ दैट मीडियम आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका टॉपिक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक पूरा खत्म हो गया। Thank you for listening and stay tuned for more and more concepts.